हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द क्लासेस। आज हम अपना फर्स्ट लेसन जो है क्लास टेंथ का यूपी बोर्ड का जो फर्स्ट लेसन है इंग्लिश में, इंग्लिश जो हमारी टेक्स्ट बुक है द इंचेंटेड पूल, उसका फर्स्ट लेसन है जिसके राइटर हैं सी राज गोपालाचारी, वो लेसन आज हम पढ़ेंगे। द इंचेंटेड पूल यानी रहस्यमयी तालाब। तो इस चैप्टर में क्या हमें पढ़ना है, इस लेसन में ये है, हम अबाउट द लेसन पहले देख लेते हैं कि इस लेसन के बारे में क्या बताया गया है। द लेसन इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द महाभारत, यानी ये जो लेसन है वो महाभारत से लिया गया है, एक उसका एक अंश है। इट रिफ्लेक्ट्स द कैरेक्टर ऑफ युधिष्ठिर द धर्मराज, यानी इसमें जो युधिष्ठिर का जो कैरेक्टर है, जो उनका चरित्र है वो दिखाया गया है। हिज पेशेंस, काइंडनेस, लव फॉर हिज ब्रदर्स एंड इंटेलिजेंस, यानी उसमें इस लेसन में युधिष्ठिर की का जो पेशेंस है, जो उनकी काइंडनेस है, जो अपने ब्रदर्स के लिए जो उनका प्यार है और उनकी जो बुद्धिमानी है उसके बारे में बताया गया है। ही प्लीजेज यक्ष बाई गिविंग सेटिस्फैक्ट्री आंसर टू हिज क्वेश्चंस, यानी वो यक्ष को प्रसन्न कर देते हैं अपने उत्तरों द्वारा। द यक्ष वाज प्लीज्ड विद युधिष्ठिर्स इम्पार्शियलिटी, यानी यक्ष जो हैं वो युधिष्ठिर के निष्पक्षता से प्रसन्न हो जाते हैं। द यक्ष वाज यम द लॉर्ड ऑफ डेथ हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष टू सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिज नॉलेज, यानी यक्ष यम बन के जो यक्ष थे वो एक्चुअल में यम थे जो कि मृत्यु के देवता हैं, उन्होंने यक्ष का रूप लिया था ये देखने के लिए कि युधिष्ठिर के नॉलेज को चेक करने के लिए, उनके ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए। बीइंग सेटिस्फाइड विद द आंसर ही ब्लेस्ड हिम एंड डिसअपीयर्ड, यानी उनके जो उत्तर थे उससे संतुष्ट होकर वो उनसे प्रसन्न हो गए और उन्हें आशीर्वाद दिया और गायब हो गए। तब हम अपने लेसन पे आते हैं। तो यहाँ से हमारा लेसन स्टार्ट हो रहा है। सो लेट्स सी। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंजाइटी एंड थर्स्ट। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर, वेटेड मीन्स प्रतीक्षा की। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की प्रतीक्षा की इन एंजाइटी एंड थर्स्ट, एंजाइटी मीन्स चिंता से और थर्स्ट मीन्स प्यास से। युधिष्ठिर ने प्यास से और चिंता से अपने भाइयों के लिए प्रतीक्षा की। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स, सब्जेक्टेड मीन्स होता है शिकार हो जाना, कर्स मीन्स अभिशाप का, क्या वे किसी शाप का या अभिशाप का शिकार हो गए हैं। आर दे स्टिल वांडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, वांडरिंग मीन्स घूम रहे हैं। आर दे स्टिल वांडरिंग, या वे अभी तक घूम रहे हैं, अबाउट इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट यानी या वे अभी भी जंगल में घूम रहे हैं, इन सर्च ऑफ वाटर पानी की तलाश में, सर्च मीन्स तलाश में या खोज में। Can they have fainted or died of thirst? Faint means होता है बेहोश हो जाना, क्या वे बेहोश हो गए या प्यास से मर गए हैं। Unable to bear these thoughts, bear means होता है सहन ना कर पाना, thoughts means होता है विचार, इन विचारों को सहन ना कर पाने के कारण, unable means असमर्थ, इन विचारों को सहन करने में असमर्थ होकर, and driven by an overpowering thirst, overpowering thirst means प्यास से व्याकुल होकर, और प्यास से व्याकुल होकर ही gave up waiting, gave up means छोड़ दिया, उन्होंने प्रतीक्षा करना छोड़ दिया। and started out to look for his brothers, and started out और शुरू किया to look for his brothers, अपने भाइयों को खोजना शुरू किया। and the pool और तालाब को, hoping इस आशा के साथ that he might find them, कि वो उन्हें प्राप्त कर लेंगे या खोज लेंगे, फाइंड मीन्स खोज लेना। युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्स फुल ऑफ वाइल्ड बियर एंड स्पॉटेड डियर्स एंड बिग फॉरेस्ट टिल ही केम अपॉन ए ब्यूटिफुल ग्रीन मीडो अराउंड ए पूल ऑफ क्लियर वाटर। युधिष्ठिर प्रोसीडेड, युधिष्ठिर आगे बढ़े इन द डायरेक्शन दिशा में हिज ब्रदर्स हैड टेकन, यानी जहाँ उनके भाई गए थे, एंड केप्ट ऑन और जारी रखा, वॉकिंग मीन्स चलना, थ्रू ट्रैक्स, ट्रैक्स मीन्स रास्ते, फुल ऑफ वाइल्ड बियर, वाइल्ड बियर मीन्स जंगली भालुओं से भरे हुए, एंड स्पॉटेड डियर, स्पॉटेड डियर मीन्स चितकबरे हिरन, एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स और बड़ी जंगली चिड़िया, टिल ही केम अपॉन जब तक वो आ गए, ए ब्यूटिफुल ग्रीन मीडो एक खूबसूरत चारागाह, मीडो मीन्स चारागाह, अराउंड ए पूल ऑफ क्लियर वाटर एक
पानी के तालाब के चारों तरफ, यानी कि इसका पूरा मीनिंग ये होगा कि युधिष्ठिर उस दिशा में आगे बढ़े जहाँ उनके भाई गए थे, एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, और चलना जारी रखा जंगली भालुओं, चितकबरे, हिरन और बड़ी चिड़ियों से भरे हुए रास्ते पर, जब तक वो एक खूबसूरत चारागाह पर आ गए जिसके जो एक तालाब के चारों ओर था। बट वेन ही सा हिज ब्रदर्स लाइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स, फ्लैग पोल्स में सर जो झंडे में जो डंडे लगे होते हैं, तो जब उन्होंने जब उन्होंने देखा हिज ब्रदर्स अपने भाइयों को लाइंग देयर, यानी वहाँ लेटे हुए, देयर लाइक फ्लैग पोल्स, यानी झंडे के डंडों की तरह लेटे हुए देखा, अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, ग्रीफ मीन्स होता है दुख, अनेबल टू रिस्ट्रेन यानी अपने दुख को सहन करने में असमर्थ होकर, ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, ही लिफ्टेड हिज वॉइस यानी उन्होंने अपनी आवाज़ ऊँची की, एंड वेप्ट और रोने लगे। ही टच द फेस ऑफ भीम एंड अर्जुन, ही टच यानी उन्होंने छुआ फेसेस ऑफ भीम एंड अर्जुन, एंड दे ले सो स्टिल साइलेंट एंड मौन्ड, उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरे को छुआ और वे शांत चुपचाप लेटे हुए थे। वॉज दिस टू बी द एंड ऑफ आवर ऑल ऑल ऑफ ऑल आवर वोज, वॉज दिस टू बी द एंड यानी एंड माने क्या होता है अंत, वोज मीन्स प्रतीक्षा, क्या हमारी प्रतिज्ञा, वोज मीन्स था प्रतिज्ञा, क्या हमारी सारी प्रतिज्ञाओं का ये अंत होना था। जस्ट वेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, एग्जाइल मीन्स होता है वनवास, जस्ट वेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड यानी जब हमारा वनवास पूरा होने वाला था, यू हैव बीन टेकन अवे, तुम ले लिए गए हो, इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई मिस फॉर्च्यून, फॉरसेकन मी मिस छोड़ दिया है, मिस फॉर्च्यून मीन्स अभाग्य में, यहाँ तक कि भगवान ने भी मुझे मेरे अभाग्य में अकेला छोड़ दिया है। As he looked at their mighty limbs, mighty means the विशाल काय, as he looked at their mighty limbs now so helpless, यानी अब जब उन्होंने उनके विशाल काय भुजाओं को देखा, now so helpless जो अब बिल्कुल असहाय थी, helpless means असहाय, he sadly wondered, sadly means दुखी से, wondered means आश्चर्य किया, उन्होंने दुख से आश्चर्य किया, who could have been so powerful enough to kill them, पावरफुल मीन्स ताकतवर, इतना ताकतवर कौन हो सकता था जिसने इन्हें मारा, किल मीन्स मारा। देन ही टू डिसेंडेड इन टू पूल ड्रॉन टू द वॉटर बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, देन ही टू डिसेंडेड इन टू पूल, डिसेंड करना मीन्स आगे बढ़ना, तब वो भी तालाब में आगे बढ़े, ड्रॉन टू द वॉटर पानी की ओर, बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट प्यास से व्याकुल होकर, एट वंस विद अचानक, द वॉइस विदाउट फॉर्म वांड, विदाउट फॉर्म मीन्स बिना आकृति की, फॉर्म मीन्स आकृति, वांड मीन्स मैंने चेतावनी दी, अचानक एक बिना आकृति की आवाज़ ने उन्हें चेतावनी दी, योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, हीड मीन्स था ध्यान देना, तुम्हारे भाई मर गए क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया, दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस, उन्होंने पानी पीने का प्रयत्न किया विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस, बिना मेरे प्रश्नों का जवाब दिए हुए, डू नॉट फॉलो देम, फॉलो मीन्स अनुसरण करना, उनका अनुसरण मत करो, आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, तब क्वेंच मीन्स तब बुझाना, थर्स्ट मीन्स प्यास, तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो, दिस पूल बिलोंग्स टू मी यानी ये तालाब मेरा है, यानी बिलोंग्स मीन्स संबंधित, ये तालाब मुझसे संबंधित है। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दीज कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ यक्ष एंड गेस्ड व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट यानी युधिष्ठिर को मोमेंट मिलता है क्षण या पल, युधिष्ठिर को एक पल भी नहीं लगा टू अंडरस्टैंड ये समझने में दैट दीज कुड बी नन यानी ये कोई और नहीं अदर देन द वर्ड्स ऑफ यक्ष, ये कोई और नहीं बल्कि यक्ष के शब्द हैं, एंड गेस्ड, गेस्ड मिलता है अनुमान लगाया, और अनुमान लगाया वॉट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स कि उनके भाइयों को क्या हुआ था। इट टू
इट टूक हिम नो टाइम, यानी उन्होंने उन्हें कोई समय नहीं लगा टू सी, ये देखने में ए पॉसिबल वे, यानी एक संभव रास्ता ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू द लाइफ, उन्हें जीवन में वापस लाने की, यानी उन्हें ये एक संभव रास्ता देखने में कोई समय नहीं लगा उन्हें अपनी मृत्यु, उन्हें अपने जीवन में वापस लाने की। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, ही सेड, उन्होंने कहा टू द बॉडीलेस वॉइस, बॉडीलेस मीन्स बिना आकृति के, उन्होंने आकृति रहित आवाज़ से कहा प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चन, यानी कृपया अपने प्रश्न पूछिए। द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर, द वॉइस पुट क्वेश्चंस, यानी जो आवाज़ थी उसने प्रश्नों को रखा रैपिडली मीन्स तेज़ी से, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक। What rescues man in danger? What rescues? यानी क्या बचाता है man in danger? यानी एक व्यक्ति को, एक मनुष्य को खतरे से कौन बचाता है? Courage, साहस। यानी कि what rescues man in danger? यानी what rescues man in danger? यानी खतरे में मनुष्य को कौन बचाता है? तो उसका उत्तर दिया युधिष्ठिर ने, साहस। By the study of which science does man become wise? By the study, यानी किस अध्ययन से, ऑफ विच साइंस, यानी किस विज्ञान के अध्ययन से डज मैन बिकम वॉइस, मनुष्य महान बुद्धिमान बनता है। नॉट बाई स्टडिंग एनी शास्त्र, ये उत्तर दे रहे हैं युधिष्ठिर, नॉट बाई स्टडिंग एनी शास्त्र, यानी किसी भी शास्त्र को पढ़कर नहीं, डज मैन बिकम वाइज, किस मनुष्य किसी शास्त्र को पढ़कर महान नहीं बनता। इट इज़ बाई एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट विजडम, इट इज़ बाई एसोसिएशन, एसोसिएशन मीन्स साथ में, यानी बुद्धिमानी के साथ, दैट ही गेट विजडम, यानी बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धिमानी के साथ, बुद्धिमानी के साथ रहने से मनुष्य बुद्धिमान बनता है। द यक्ष आस्क्ड व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, स्विफ्टर मीन्स द तेज। द यक्ष आस, यक्ष ने पूछा व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, हवा से भी तेज क्या है? माइंड, यानी दिमाग या फिर मस्तिष्क। व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रॉ, स्ट्रॉ मीन्स द भूसा, ड्राइड मीन्स सूखा हुआ, फेडेड मीन्स बुझा हुआ, या फेड मीन्स कहते हैं, हाँ फेडेड मीन्स ये होता है बुझा हुआ। व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रॉ, यानी कि एक सूखे हुए भूसे से भी बुझा हुआ क्या हो सकता है? ए सोरो स्ट्राइक एन हार्ट, स्ट्राइक मीन्स भरा हुआ, सोरो मीन्स दुख से, एक दुख से भरा हुआ हृदय। व्हाट बी फ्रेंड्स ए ट्रैवलर, ट्रैवलर मीन्स द यात्री, व्हाट बी फ्रेंड्स ए ट्रैवलर, यानी यात्री का साथी कौन होता है? लर्निंग, यानी कि ज्ञान, यानी कि अगर कोई व्यक्ति यात्रा कर रहा है तो जो ज्ञान है उसका, वो उसका साथी होता है। Who is the friend of one who stays at home? Who is the friend? यानी उसका मित्र कौन है? Of one who stays at home? यानी जो घर पे रहता है उसका जो मित्र है वो कौन है? The wife, पत्नी। Who accompanies a man in death? Accompanies means साथ में, यानी कि मृत्यु का साथी कौन है? धर्म, धर्मा। दैट एलान अकम्पनीज द सोल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ, यानी धर्म, दैट एलान अकम्पनीज, जो साथ जाता है द सोल के, यानी सोल की मीन्स आत्मा के, इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ, यानी अपनी एकांत यात्रा में मृत्यु के, यानी धर्म जो होता है वही आत्मा के साथ जाता है मृत्यु के बाद की एकांत यात्रा में। विच इज़ द बिगेस्ट वेसल, यानी सबसे बड़ा बर्तन कौन सा है? वेसल मीन्स बर्तन, सबसे बड़ा बर्तन कौन है? द अर्थ, पृथ्वी। विच कंटेन ऑल विद इन इट सेल्फ इज द ग्रेटेस्ट वेसल, यानी पृथ्वी जिसने सारी चीज़ों को अपने अंदर लेकर रखा है सबसे बड़ा बर्तन है। वॉट इज हैप्पीनेस, यानी खुशी क्या है? हैप्पीनेस इज़ द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, कंडक्ट मीन्स होता है आचरण, यानी अच्छे आचरण का परिणाम जो है वो खुशी है। वॉट इज़ दैट बाई गिविंग अप विच मैन बिकम लव्ड बाई ऑल, वॉट इज़ दैट, यानी वो क्या है? बाई गिविंग अप, जिसको छोड़ देने से, गिविंग अप, गिव अप मीन्स होता है छोड़ देना, बाई गिविंग अप, जिसको छोड़ देने से विच मैन बिकम्स लव्ड बाई ऑल, यानी मनुष्य सभी का प्रिय हो जाता है। प्राइड यानी घमंड, फॉर इफ गिविन गिव्स अप बींग प्राउड ही विल बी लव्ड बाई ऑल, यानी कि घमंड,
फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, यानी कि घमंड, यदि मनुष्य घमंड करना छोड़ दे, ही विल बी लव्ड बाय ऑल, वो सभी के द्वारा प्रिय हो जाता है. व्हाट इज द लॉस व्हिच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सोरो. लॉस इज द हानि, ऐसी कौन सी हानि है व्हिच यील्ड्स, यील्ड्स मीन्स देती है, जो खुशी देती है एंड नॉट सोरो, दुख नहीं. यानी ऐसी कौन सी हानि है जो खुशी देती है दुख नहीं. एंगर, इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्टेड टू सोरो. एंगर यानी क्रोध, इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम क्रोधित होना छोड़ दें, वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्टेड टू सोरो, यानी कि हम कभी भी दुख का शिकार नहीं होंगे. सब्जेक्ट में शिकार होना. वॉट इज दैट बाई गिविंग अप विच ए मैन बिकम्स रिच. वॉट इज दैट, वो क्या है बाई गिविंग अप, जिसको छोड़ देने से ए मैन बिकम्स रिच, एक मनुष्य धनी हो जाता है. डिज़ायर, डिज़ायर मीन्स द इच्छा. इफ़ ए मैन गिव्स अप बींग ग्रीडी, ग्रीडी मीन्स द लालच. यदि एक मनुष्य लालची होना छोड़ दे, ही विल बिकम वेल्दी, वो धनी हो जाएगा. वॉट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण, इज इट बर्थ, गुड कंडक्ट और लर्निंग. आंसर डिसिसिवली. वॉट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण, यानी एक क्या चीज़ है जो एक वास्तव में ब्राह्मण बनाती है. इज इट बर्थ, ये जन्म, अच्छा आचरण या फिर ज्ञान. आंसर डिसिसिवली, यानी डिसिसिवली मीन्स निश्चय करके. तो यक्ष कह रहे हैं कि निश्चय करके उत्तर देना. बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण. बर्थ एंड लर्निंग यानी जन्म और जो शिक्षा है, डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण, या जन्म या ज्ञान किसी को ब्राह्मण नहीं बनाता. गुड कंडक्ट एलॉन डज, यानी कि अच्छा आचरण अकेले ये करता है. However learned a person may be, he will not be a Brahman without giving up bad habits. However learned a person may be, यानी कि कोई मनुष्य कितना भी पढ़ा हुआ हो, एक मनुष्य कितना भी ज्ञानी हो, he will not be a Brahman, वो एक ब्राह्मण नहीं बनेगा without giving up bad habits. Giving up means होता है छोड़ देना, bad habits means बुरी आदतें. एक व्यक्ति कितना भी ज्ञानी हो, वो ब्राह्मण नहीं बनेगा बिना बुरी आदतों को छोड़े हुए. इवन दो ही मे बी लर्न्ड इन फोर वेदास, ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू ए लोअर क्लास. लोअर क्लास मीन्स है निम्न श्रेणी. यानी अगर एक व्यक्ति ने चारों वेदों को सीख लिया हो, एक व्यक्ति अब बैड कंडक्ट, बुरे आचरण वाला, निम्न श्रेणी में आएगा. वट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड. वंडर मीन्स होता है आश्चर्य. सबसे बड़ा, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है. एवरी डे मेन सी क्रिएचर डिपार्ट टू यमास किंगडम एंड येट दोज हु रिमेन वॉन्ट टू लिव फॉर एवर. एवरी डे यानी प्रत्येक दिन मेन सी मनुष्य देखते हैं, क्रिएचर डिपार्ट यानी प्राणी प्रस्थान करते हैं टू यमास किंगडम. यानी प्रत्येक दिन मनुष्य देखते हैं कि प्राणी जो हैं वो प्रस्थान करते हैं यम के राज्य में. एंड येट दोज हु रिमेन, फिर भी जो बचे होते हैं, वॉन्ट टू लिव फॉर एवर, हमेशा जीवित रहना चाहते हैं. दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, वास्तव में यही सबसे बड़ा आश्चर्य है. दस द यक्ष पुट मेनी क्वेश्चन एंड युधिष्ठिर एंसर्ड देम ऑल. दस द यक्ष पुट मेनी क्वेश्चन, तब यक्ष ने बहुत सारे प्रश्न रखे. एंड युधिष्ठिर एंसर्ड देम ऑल, और युधिष्ठिर ने सभी का उत्तर दिया. इन द एंड, अंत में यक्ष आस्ट, यक्ष ने पूछा, ओ किंग, ओ राजा, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड. रिवाइव्ड मीन्स पुनर्जीवित. हे राजा, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स, तुम्हारे मृत्यु भाइयों में से एक, कैन नाउ बी रिवाइव्ड, पुनर्जीवित हो सकता है. Who do you want to come back to life? तुम किसे जीवन में वापस लाना चाहते हो? It took Yudhishthir a moment to think. Then he wished that the cloud complexioned, lotus eyed, broad chest and long armed Nakul lying like a fallen ebony tree might arise. It took Yudhishthir a moment. यानी इसे सोचने में युधिष्ठिर को एक क्षण लगा
टू थिंक, ये सोचने में युधिष्ठिर को एक क्षण लगा। देन ही विश्ड, तब उसने इच्छा की दैट द क्लाउड कॉम्प्लेक्शन, क्लाउड मीन्स बादल, कॉम्प्लेक्शन मीन्स रंग वाला, बादलों के रंग वाला लोटस आइड, लोटस आइड, लोटस मीन्स होता है कमल, आइड मीन्स आँख, यानी कमल नैनी, ब्रॉड चेस्टेड, चौड़ी छाती वाला, एंड लॉन्ग आर्म, और लंबी भुजाओं वाला नकुल, लाइंग लाइक ए फॉलन एबोनी ट्री, जो कि एक आबनूस, एबोनी ट्री मीन्स आबनूस का पेड़, जो कि आबनूस के पेड़ की तरह गिरा हुआ था, माइट अराइज, जी उठे। दियक्ष्वा, एक बार फिर से देख लेते हैं इस लाइन को। युधिष्ठिर को ये सोचने में एक क्षण लगा, तब उन्होंने आशा की कि बादल के रंगों वाला कमल नैनी, चौड़े छाती वाला और लंबी भुजाओं वाला नकुल, जो कि आबनूस के पेड़ की तरह गिरा हुआ था, जीवित हो जाए। द यक्ष वाज प्लीज्ड एट दिस, यक्ष इस पर प्रसन्न हुआ, एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर से पूछा, व्हाई डिड यू चूज नकुल इन प्रिफरेंस टू भीम, Why did you choose नकुल, तुमने नकुल का चयन क्यों किया इन प्रिफरेंस टू भीम, भीम की तुलना में, Who has the strength of 16,000 elephants, जिनके पास ताकत है of 16,000 elephants, 16,000 हाथियों की, यानी भीम के पास 16,000 हाथियों की ताकत थी। तो यक्ष ने पूछा कि आप नकुल को क्यों चुन रहे हैं भीम के की तुलना में, जिनके पास 16,000 हाथियों की ताकत है। I have heard that भीम is most dear to you, I have heard, मैंने सुना है कि भीम सबसे अधिक आपको प्रिय हैं, एंड वाई नॉट अर्जुन, और अर्जुन क्यों नहीं, हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इज योर प्रोटेक्शन, जिनकी भुजाओं की शक्ति तुम्हारी सुरक्षा है, टेल मी वाई यू चूज नकुल रेदर देन इधर ऑफ दीज टू, टेल मी, यानी मुझे बताओ कि तुमने नकुल को क्यों चुना रेदर देन इधर ऑफ दीज टू, इन दोनों को चुनने के बजाय। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष, हे यक्ष, धर्म इज़ द ओनली शील्ड ऑफ मैन एंड नॉट भीमार अर्जुन, यानी कि ओ यक्ष, केवल धर्म जो है वो मनुष्य की का सुरक्षा कवच है, भीम और अर्जुन नहीं। इफ धर्म इज गिवन अप, यदि धर्म छोड़ दिया जाए, मैन विल बी रुइंड, रुइन मीन्स बर्बाद हो जाना, मैन यानी मनुष्य बर्बाद हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर, कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियाँ थीं। आई एम अलाइव, मैं जीवित हूँ, ए सन ऑफ कुंती, कुंती का एक पुत्र, एंड सो शी इज नॉट कम्प्लीटली बिरीव्ड, बिरीव्ड मीन संतानविहीन, इसलिए वो पूरी तरह संतानविहीन नहीं है। In order that the scale of justice might be even, in order यानी इस in order that the scale of justice may be even, यानी कि जो न्याय का तराजू है वो बराबर रहे, इसलिए I ask that माद्री's son नकुल may revive, इसलिए मैं चाहता हूँ, इसलिए मैंने कहा कि माद्री का पुत्र नकुल पुनर्जीवित हो जाए। दियक्ष वास मोस्ट प्लीज विथ युधिष्ठिर्स इम्पार्शियलिटी एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ। यक्ष वास मोस्ट प्लीज्ड, यक्ष बहुत प्रसन्न हुए विथ युधिष्ठिर्स इम्पार्शियलिटी, युधिष्ठिर्स की निष्पक्षता से, एंड ग्रांटेड, ग्रांटेड मीन्स दे दिया, दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, कि उसके सभी भाई जीवन में वापस आ जाएं। इट वॉज यम, ये यम थे, द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता, हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, जिन्होंने यक्ष का रूप लिया था, सो दैट ही माइट सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट देम, कि वो युधिष्ठिर को देख सके और उनकी प्रतीक्षा ले सकें। ही इम्प्रेस्ड युधिष्ठिर, इम्प्रेस मीन्स था गले लगाना, उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाया, एंड ब्लेस्ड हिम, और आशीर्वाद दिया, देन ही डिसअपीयर्ड, और वो गायब हो गए। तो इस तरह से हमारा ये जो लेसन था कंप्लीट हुआ। तो इस लेसन में, ये जो लेसन था, महाभारत का एक अंश था जिसमें ये दिखाया गया है, जिसमें युधिष्ठिर और जो पांडव, पांचों पांडव थे, उनके वनवास का एक दृश्य दिखाया गया है, और उसी दृश्य को इस स्टोरी में, यानी इस लेसन में दिखाया गया है। तो इस तरह से हमारा ये लेसन कंप्लीट हुआ। आई होप कि आप लोगों को ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। फॉर एनी क्वेरीज, एनी डाउट्स, You can message us on our WhatsApp number. Okay, thank you.